सुप्रभात बच्चों, मैं लवकेश गुप्ता, टीजीटी हिंदी, माँ कल्याण का पब्लिक स्कूल, पेंडा रोड, छत्तीसगढ़ से। राम एक ऐसा नाम है जिसको हिंदुस्तान का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता। भारत में रहने वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो राम को न जानता। और आज तो दुनिया के हर एक व्यक्ति को ये बात पता है कि राम कौन है। राम जो भारत में रहने वाले लोग हैं, ठीक है, खासकर जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनके बहुत ही पारंपरिक देवता हैं, ठीक है। और वो इतने प्रसिद्ध भी हैं, ठीक है, अपने आदर्शों के कारण कि केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के और तमाम बहुत सारे देशों में भी लोग इनको पूछते हैं, ठीक है। और जहाँ जहाँ हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, ठीक है, वो इनको जरूर मानते हैं। और ये राम एक शब्द ऐसा शब्द है जो एकता का प्रतीक है, ठीक है। अक्सर लोग आपस में बातचीत करते जय राम जी की, राम राम भैया, जय श्री राम, ऐसे लोग बोलते हैं अभिवादन करो। मतलब ये नाम बड़ा ही प्रचलित है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसको ना जानता। इसको हर मतलब पुराने समय में अगर जाएंगे तो जो रचनाकार, जो साहित्यकार लोग हैं, ठीक है, हर तरह के साहित्यकार लोगों ने इसका इस्तेमाल किया। कबीर ने भी राम की बात की है, जबकि वो किसी देवी देवता को नहीं मानते, तब भी वो राम की बात करते हैं, ठीक है। और तुलसी ने तो खैर पूरी रामचरित मानस लिख दी है। तो आज हम लोग क्लास सिक्स में जो एक हिंदी में एक पुस्तक है बाल राम कथा, ठीक है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। बाल राम कथा, और बाल राम कथा में हम लोग आज पहला भाग पढ़ेंगे अवधपुरी में राम। तो देखिए कैसा कहते हैं कि सबसे पहले सतयुग आया। सतयुग कैसा युग था, ठीक है, कई वर्षों तक चला, कई हजार सालों तक इसका ये वर्ष चला, ठीक है। सतयुग एरा जिसको हम बोलते हैं, सतयुग में सत्य का ही बोलबाला था, ठीक है। हर आदमी सत्य बोलता था, सत्य के सदाचार का ही बोलबाला था, ठीक है, कहीं दुष्ट लोग नहीं थे ऐसा माना जाता है। और व्यक्ति के मन में जो भी इच्छा होती थी उसको वो पूरा कर लेता था, वो जो भी चाहता था वो चीज़ हो जाती थी। और लोग कहीं भी देवी देवताओं के आसपास लोग आ जा सकते थे, जैसे लोग कहते हैं स्वर्ग में, तो लोग जा सकते थे, आराम से आ जा सकते थे सतयुग में। सतयुग के बाद फिर जो है दूसरा आता है त्रेता युग। त्रेता युग में यही वो युग है जिसमें राम हुए। उसके बाद है द्वापर। द्वापर वो युग है जिसमें कृष्ण हुए, और द्वापर के बाद आता है कलयुग। कलयुग जो है, अब जो युग चल रहा है वो कलयुग है, हम लोग कलयुग में ही हैं। तो ऐसा मानते हैं कि जब धरती पर, पृथ्वी पर जो है अधर्म बहुत बढ़ जाता है, ठीक है, तो जो विष्णु है, ठीक है, हिंदू धर्म में तीन देवता हैं जिनको हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश के नाम से जानते हैं। तो जो ब्रह्मा है वो हर चीज़ की रचना करते हैं, विष्णु जो है वो पालन करते हैं, और जो महेश है मतलब जो शंकर है, ठीक है, वो नाश करते हैं, ठीक है, डिस्ट्रॉयर, मतलब उनको हम GOD बोलते हैं, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर। अगर गॉड को आप समझें तो जी से जनरेटर, ओ से ऑपरेटर, डी से डिस्ट्रॉयर, ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसा लोग मानते हैं, ठीक है। तो जब जब धरती पर अधर्म बहुत बढ़ जाता है तो जो विष्णु है वो मनुष्य के रूप में धरती पर अवतार लेते हैं, ठीक है, और फिर वो दुष्टों का नाश करते हैं, ठीक है, और फिर वापस वो अपने लोग में चले जाते हैं, ठीक है। ऐसे राम इस युग में हुए, त्रेता युग में, जब इस युग में राक्षसों का बहुत उत्पात हो गया, ठीक है, जो सज्जन लोग थे उनको वो बहुत परेशान करने लग गए, ठीक है, और उनको पूजा पाठ करने में, आने जाने में लोगों को मारकर खा जाते थे, राक्षस ही थे वो। तो ऐसे राक्षसों का नाश, मतलब अधर्म बहुत जब बढ़ जाएगा, ठीक है, तो फिर वहाँ पर जो है भगवान विष्णु जो है वो राम के रूप में अवतरित होते हैं, ठीक है, ऐसा लोग मानते हैं इस कथा में। और ये एक बात और भी है, ये मानने की बात भी है और ये सत्य भी है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वो ग्रंथ रखे हुए हैं, ठीक है, जिनमें इन चीज़ों का वर्णन है, और वो कोई आज के ग्रंथ नहीं है, बहुत पुराने हैं, बहुत प्राचीन ग्रंथ हैं, ठीक है। तो जो त्रेता युग है, त्रेता युग में राम हुए, हम इसी राम कथा को यहाँ पढ़ेंगे। लेकिन ये राम कथा आई कैसे, तो कहते हैं कि जो महर्षि वाल्मीकि हैं, ठीक है, वाल्मीकि जी ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से एक कथा लिखी, ठीक है, और उस कथा का नाम हुआ रामायण। इसको लिखा किसने, वाल्मीकि जी।
इसको वाल्मीकि जी ने लिखा रामायण को, और ये जो बाल राम कथा है ये इसी वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। अब चूंकि रामायण तो काफी बड़ी है और संस्कृत भाषा में है, ठीक है, तो वो तो अभी बच्चों को पढ़ा नहीं जा सकता, तो उसमें क्या चीज लिखी हुई है, ठीक है, उसको बहुत छोटे छोटे भाग में करके ये बाल राम कथा बनाई गई है, ठीक है, ताकि आप थोड़ा सा राम, भगवान राम के बारे में जान सके, ठीक है। और वो केवल एक देवता ही नहीं थे, ठीक है, बल्कि उन्होंने मतलब धरती पर उतरकर समाज में रहकर जो काम किया, उन्हें एक आदर्श स्थापित किया कि एक पिता कैसा होना चाहिए, एक पुत्र कैसा होना चाहिए, एक भाई कैसा होना चाहिए, एक पति कैसा होना चाहिए, एक राजा कैसा होना चाहिए। तो मतलब वो अपने उस उत्कर्ष पर है वहां पर, ठीक है ना, एक मित्र कैसा होना चाहिए। तो इन्हीं सब गुणों को समझने के लिए जो है, ठीक है, हम ये बाल राम कथा पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं बाल राम कथा की तरफ। एक बात और भी आपको बताना चाहूंगा कि जो ये वाल्मीकि रामायण है ये संस्कृत में है, ठीक है, और ये इतनी प्रसिद्ध हुई कि दुनिया की बहुत सारी भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ऐसा पता चला कि जो रसिया है वहां भी भगवान राम की मूर्ति मिली है, ठीक है। तो मतलब बहुत बड़ा विस्तार था, क्योंकि भारत पहले जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था, ठीक है, जम्बू द्वीप का विस्तार बहुत बड़ा था, पूरा पश्चिम एशिया, मतलब पूरा एशिया ही वो जम्बू द्वीप कहलाता था, समझिए आप, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं थोड़ा अवधपुरी में राम की तरफ। अच्छा हाँ, जो दूसरी बात बता रहा था मैं आपको कि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी, इसके बाद अगर राम कथा, भगवान राम की जो कथा है वो सबसे ज्यादा प्रचलित हुई, प्रसिद्धि प्राप्त हुई उसको, तो तुलसी जी के द्वारा प्राप्त हुई। तुलसीदास जी ने भगवान राम की कथा को अवधी भाषा में लिख दिया, क्योंकि संस्कृत हर व्यक्ति नहीं बोल सकता था उस समय, क्योंकि लोक भाषाएं लिखी बहुत सारी। तो तुलसी ने क्या किया, तुलसी ने अवधी भाषा में राम कथा को लिख दिया। पहले लोग संस्कृत पढ़ते थे, उसका दूसरी भाषा में अनुवाद करके लोगों को सुनाते थे। जिसको संस्कृत का ज्ञान होता था वो संस्कृत पढ़ता था, फिर उसको उसी भाषा में अनुवाद करके लोगों को सुनाता था दूसरी भाषा में। लेकिन तुलसी ने क्या किया, तुलसी ने उसको अवधी भाषा में लिख दिया, ठीक है। मतलब भगवान राम की जहाँ जन्मभूमि है, ठीक है, अयोध्या जो है, वहां जो भाषा बोली जाती है उसी भाषा में उन्होंने राम कथा को लिख दिया। तो इतनी प्रसिद्ध थी कि आज भारत में शायद ही कोई ऐसा घर हो हिंदू का जिसके घर में ये रामायण हो ना हो, लेकिन उसके घर में तुलसी द्वारा रचित रामचरितमानस जरूर होगी, ठीक है। लोग उसको लाल कपड़े में लपेट कर रखते हैं, ठीक है, उसको बहुत पवित्र मानते हैं, ठीक है, उसको हमेशा पूजा के स्थल पर रखते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अवधपुरी में राम की तरफ। तो अयोध्या जो है, अवध एक क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, सुल्तानपुर, मिर्जापुर, ठीक है, और आपका अयोध्या, ठीक है, सरयू नदी के किनारे जो है ये नगर बसा हुआ अयोध्या। एक नदी है सरयू नदी, और ये नदी आज भी विद्यमान है। इस नदी के किनारे जो है, सरयू नदी के किनारे एक नगर बसा हुआ है जिसको हम बोलते हैं अयोध्या। और ये कहां है, ये वर्तमान उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो यहाँ जो है एक बड़े ही प्रतापी राजा थे जिनका नाम था दशरथ, राजा दशरथ। राजा दशरथ, अब दशरथ जो थे ये महाराज अज के पुत्र थे, और अज जो है वो रघु के पुत्र थे। रघु के पहले भी एक राजा है जिनको जो राजा दिलीप है उनको कहते हैं। कालिदास जी ने एक ग्रंथ लिखा है रघुवंशम, उसमें उन्होंने भगवान राम की जो वंशावली उसको दिया हुआ है, ठीक है, कि भगवान राम के पहले कौन कौन थे। तो उन्होंने राजा दिलीप से शुरू की है, ठीक है। हम चूंकि रघुवंश की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि पुस्तक में रघुवंश की बात आई है, इसलिए हम इसको बता रहे हैं कि ये रघुकुल है। कुल का मतलब होता है परिवार, ठीक है ना, एक ही परिवार के लोग हैं। रघु के पुत्र अज के पुत्र दशरथ, और दशरथ के पुत्र राम, ठीक है, जो प्रसिद्ध हैं, ठीक है, इनको हम उनकी बात करें, उनके तो और भी पुत्र हैं। तो अब बात करते हैं दशरथ की। तो ये जो अयोध्या नगरी है बड़ी ही सुंदर नगरी थी उस समय, लंबी चौड़ी सड़कें थी, ठीक है, लोग बड़े ही समृद्ध थे, बड़े ही सुख से रहते थे, किसी तरह की कोई कमी नहीं, और महाराजा दशरथ बड़े ही प्रतापी राजा थे, ठीक है, बड़े ही लोकप्रिय थे, बड़े ही न्यायप्रिय थे, मतलब जनता बहुत ही सुखी थी। और इनका जो नगर था, ठीक है, वो बहुत ही सुंदर नगर था, ठीक है, और कौशल देश की राजधानी थी।
जो अयोध्या है वो कौशल देश की राजधानी थी, उसको साकेत नगरी भी बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए मैथिली शरण गुप्त जी ने एक ग्रंथ लिखा साकेत, ठीक है, उसमें भी उन्होंने रामकथा का ही वर्णन किया। बहुत सारे कवियों ने रामकथा का वर्णन किया। तो जो महाराजा दशरथ थे, ठीक है, उनके राज्य में सब लोग बड़े सुखी रहते थे। महाराजा दशरथ भी बहुत सुखी थे। महाराजा दशरथ की तीन रानियां हैं, एक है कौशल्या, एक है सुमित्रा और एक है कैकेयी। तो जो महाराजा दशरथ है वो अपने राज्य में बड़े ही आराम से रह रहे हैं, लेकिन एक दुख उनको बड़ा सालता है, बहुत कष्ट होता है। वो कष्ट क्या है कि उनकी तीन रानियां हैं लेकिन बावजूद उनके एक भी पुत्र नहीं है, एक भी संतान नहीं है, तो वो इससे बहुत परेशान रहते हैं। तो ऐसे कई साल गुजर जाते हैं, फिर वो बहुत दुखी रहते हैं। तो एक दिन वो वशिष्ठ मुनि के पास जाते हैं और वशिष्ठ मुनि के पास जा करके वो अपनी समस्या को बताते हैं कि इसका कोई उपाय है क्या। तो वशिष्ठ मुनि जो है उनको पुत्रेष्ट यज्ञ करने की सलाह देते हैं। पुत्रेष्ट यज्ञ, पुत्रेष्ट यज्ञ क्या है? पुत्र प्राप्त करने के लिए यज्ञ करना पड़ेगा, उन्होंने कहा आपको। तो दशरथ उस यज्ञ के लिए तैयार होते हैं और उसके बाद जो है पुत्रेष्ट यज्ञ की तैयारी होती है। एक महान तपस्वी है ऋष्यशृंग, एक तपस्वी है, उनका नाम है ऋष्यशृंग, एक महान तपस्वी है ऋष्यशृंग मुनि है। इनकी देख रेख में एक यज्ञ होता है, ठीक है, सरयू नदी के किनारे उस यज्ञशाला को बनाया जाता है और तमाम ऋषि मुनियों को वहां आमंत्रित किया जाता है। फिर उस पर मंत्रोच्चार और शंख ध्वनि के द्वारा वो शुरू होता है और उसमें सभी लोग एक एक करके आहुति डालते हैं, जबकि हवन वगैरह होता है जो यज्ञ होता है उसमें आहुति डाली जाती है और फिर सबसे अंत में राजा दशरथ वहां पर आहुति डालते हैं। जब यज्ञ पूरा होता है तो अग्नि के देवता जो है महाराजा दशरथ को आशीर्वाद देते हैं और उसके बाद उनकी इच्छा पूरी होती है, उनको एक फल प्राप्त होता है। वो फल जो है वो जो प्रसाद होता है वो प्रसाद वो तीनों रानियों को खिलाते हैं और उसके बाद फिर जो है उनके यहाँ पुत्र पैदा होते हैं। तो जो माता कौशल्या, महारानी कौशल्या है, इनसे जो पुत्र पैदा हुए उनका नाम हुआ राम। जो सुमित्रा के जो पुत्र हैं इनका नाम है लक्ष्मण, या इनको सौमित्र भी बोलते हैं क्योंकि सुमित्रा के पुत्र है इसलिए वो लक्ष्मण, और एक और पुत्र है इनके शत्रुघ्न। इनके दो पुत्र हुए और कैकेयी के एक पुत्र होते हैं, उनका नाम होता है भरत। और जब पुत्र होते हैं तो पूरे राज्य में बहुत ही उत्साह और उल्लास का माहौल होता है, ठीक है, सारा राज, सारे राज में खुशियां छा जाती हैं, ठीक है, पूरे नगर को सजाया जाता है, बहुत धूमधाम से इसका पर्व मनाया जाता है, ठीक है। उसके पश्चात देखिए राजा बहुत सारा अनाज और तमाम चीजें लोगों को दान पुण्य करते हैं। फिर सारे राजकुमार धीरे धीरे बड़े होते हैं, ठीक है, वो देखने में बड़े सुंदर थे, ठीक है, साथ खेलते निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते, बड़े ही सुदर्शन थे, ठीक है, चारों बच्चे थे सुदर्शन। सु का मतलब होता है सुंदर और दर्शन का मतलब होता है दिखना। तो देखने में ये चारों बच्चे बड़े ही सुंदर थे, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, ठीक है ना। इसमें सबसे बड़े राम है, उसके बाद फिर भरत है, फिर लक्ष्मण है, फिर शत्रुघ्न है, ठीक है ना। तो माता सुमित्रा के दो पुत्र, एक लक्ष्मण जो राम के साथ हमेशा रहते हैं और शत्रुघ्न जो हमेशा भरत के साथ, ठीक है ना। आगे देखिए ऐसी जोड़ी बनती है कि राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, ठीक है ना। तो वो इतने सुंदर दिखते थे कि जब वो खेलते थे तो सब लोग उनको देखते रह जाते थे, कहीं से गुजरते थे सब लोग उनको देखते रह जाते थे। बड़े जब हो गए तो इनकी शिक्षा दीक्षा के लिए इनको गुरुकुल भेज दिया गया, ठीक है, और वहां जाकर इन्होंने विद्या और शास्त्र विद्या और तमाम विद्याओं का अर्जन किया, ठीक है, और बहुत ही तेज बुद्धि के थे लोग, बड़े कुशाग्र बुद्धि के थे और बहुत जल्दी ही इन लोगों ने सभी विद्याओं को सीख लिया। और राजा राम जो दशरथ जी हैं इनको राम बड़े प्रिय थे, भगवान राम बड़े इनको प्रिय थे, ठीक है ना। आगे देखिए अब ये इसलिए भी प्रिय थे क्योंकि ये सबसे बड़े पुत्र थे। अक्सर माँ बाप की जो पहली पहली संतान होती है, जो बड़ी होती है, उसको लोग बहुत चाहते हैं, ठीक है ना। राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह है तो नगर में इसकी चर्चा होने लगी। महाराजा दशरथ भी ऐसा चाहते थे कि अपनी संतानों में सुयोग्य बदले चाहे उनको मिल जाए, परिजनों में पहले से ही चर्चा हो रही थी, बाद में पुरोहितों को भी शामिल कर लिया। अब जब बच्चे बड़े हुए तो उनके विवाह की चर्चा होने लगी, जब बच्चे बड़े हो गए महाराजा दशरथ भी सोचने लगे कि मेरे बेटे बड़े हो गए इनका विवाह कर देना चाहिए। देखिए
तो ऐसे ही एक दिन जो है राजमहल में ऐसी चर्चा चल रही थी, तभी एक सेवक जो है दौड़कर आता है महाराजा दशरथ के पास और उनको बताता है कि एक मुनि आए हुए हैं, ठीक है, एक ऋषि आए हुए हैं, ऋषि विश्वामित्र आए हुए हैं, ठीक है। तो जब दशरथ की बात पता चलती है तो वो तत्काल अपना आसन छोड़ते हैं, जाते हैं, उनकी अगुवाई करते हैं, उनको वहां से लेकर आते हैं। और चूंकि पुराने समय में राजा जो होता था ऊंचे आसन पर बैठता था, ठीक है, जो बड़े लोग होते थे, ठीक है, राजमहल का ऊंचे स्थान था, ऊंचे आसन पर बैठते थे। राजा महाराजा दशरथ ने विश्वामित्र जी को भी काफी ऊंचा स्थान दिया, ठीक है, क्यों दिया, अपने बगल में, क्योंकि जो महाराजा विश्वामित्र हैं, जो मुनि विश्वामित्र हैं, ये पहले राजा थे, ये क्षत्रिय हैं, ठीक है, बाद में इन्होंने अपना राजपाट छोड़ करके और ये ऋषि हो गए, ठीक है। तो जो विश्वामित्र जी हैं उन्होंने एक आश्रम बनाया था जहां वो तपस्या करते थे, उसका नाम था सिद्धाश्रम। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दे, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, ठीक है। तो भाई पूछा उनसे कि आप आए हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बैठिए, अब बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तो जो विश्वामित्र थे उन्होंने कहा कि हे राजा, मैं जो तुमसे सेवा के लिए कहने जा रहा हूं, जो मैं तुमसे मांगने जा रहा हूं, वो तुम्हारे लिए बड़ा कठिन होगा, ठीक है। तो दशरथ जी कहते हैं कि ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हम रघुकुल वाले हैं, रघु की परंपरा के लोग हैं, और कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। मेरे प्राण चले जाएंगे लेकिन मैं वचन अगर दे दूंगा तो मैं उसको निभाऊंगा जरूर, ठीक है। तो जो दशरथ हैं उनसे जब पूछते हैं, विश्वामित्र बताइए आपको क्या चाहिए, तो वो कहते हैं कि मुझे आपके आपका जो बेटा है राम, मुझे उसकी जरूरत है, ठीक है ना, क्योंकि जहाँ मैं यज्ञ कर रहा हूँ, एक मुझे यज्ञ करना है, और उस यज्ञ में जो राक्षस लोग हैं वो बहुत ही उत्पात मचा रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने मुझे पता चला तो सुन के ही जो दशरथ थे वो अत्यंत उदास हो गए कि मैं अपने सबसे प्यारे बेटे राम को कैसे भेजूं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा घबरा गए, ठीक है। और उसके बाद वो इस सोच विचार में ही मूर्छित पड़ गए। अब वहाँ पर विश्वामित्र बैठे हुए हैं, ठीक है, वो बार बार देख रहे हैं कि राजा जो अपना वचन दे दिया है उसके बाद अपना वचन पूरा नहीं कर पा रहे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि दशरथ के ऊपर तो बिजली ही गई, अपना प्यारा बेटा उनको देना पड़ रहा है राक्षसों को मारने के लिए, वो कह रहे इनको ले जाओ। वो कह रहे कि केवल राम ही है जो राक्षसों को मार सकते हैं, और कोई मार नहीं सकता, ठीक है। आगे देखिए, जब ऐसी घटना घटी तो बहुत देर हो रही थी, इसमें क्या है कि विश्वामित्र को बहुत गुस्सा आ रहा था, उनको अपना जो है यज्ञ पूरा करना था, लेकिन वो क्रोध में बोल नहीं सकते थे क्योंकि यज्ञ चल रहा था, अगर उनका जो यज्ञ है वहां चल रहा था, अगर वो क्रोध में बोल देते तो जो हवा जो यज्ञ हो रहा है उसका नियम टूट जाता, उसमें क्रोध नहीं कर सकते हैं, उनका जो यज्ञ भंग हो जाता, इसलिए वो क्रोध में कुछ बोले नहीं। लेकिन जो वशिष्ठ मुनि थे जो महाराजा दशरथ के साथ रहते थे, बड़े समझदार थे, वो गए और उनको समझाया, ठीक है, दशरथ जी को, कि ये तो खुद बहुत ही योग्य और बहुत ही शक्तिशाली ऋषि हैं विश्वामित्र जी, ठीक है, इनके पास तमाम सिद्धियां हैं, अगर राम को आप इनके साथ भेज देंगे तो आपको बहुत फायदा भी होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि राम को बहुत सारी विद्याएं इनसे सीखने को मिलेंगी, बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। ऐसा करके बहुत समय तक समझाया गया जब राजा दशरथ को, तो फिर राजा दशरथ इस बात के लिए तैयार हुए, ठीक है, लेकिन उनको लग रहा था कि राम अकेले न जाएं, ठीक है। तो जो विश्वामित्र वो कहते हैं ठीक है भाई, अगर राम अकेले नहीं जाए तो उनके साथ उनके किसी भाई को भेज दीजिए, ठीक है। तो उनके साथ लक्ष्मण भी चले जाते हैं, ठीक है। और जब ये लोग जाने लगते हैं तो फिर उसके बाद अब चूंकि तुरंत भेजना है, ठीक है, उनको तुरंत ही लेकर जाना है, तो ऐसी परिस्थिति में कैसे सैनिकों की व्यवस्था की जाए, सब कुछ केवल क्योंकि उनको तो सिर्फ विश्वामित्र जी के ही साथ जाना है, उनके पास खुद इतनी बड़ी सेना थी, खुद राजा थे, उनको तो केवल राम चाहिए थे, अब राम के साथ लक्ष्मण भी जा रहे हैं। तो वहां पर फिर बहुत छोटा सा एक कार्यक्रम होता है, एक स्वास्थ्य वाचन होता है। स्वास्थ्य वाचन क्या होता है, स्वास्थ्य वाचन का मतलब ये होता है कि जब भी आप देखें, कभी आप महाभारत या रामायण देखते हैं, ठीक है, टीवी में जो सीरियल आता है, खासकर जो रामानंद सागर का है, तो आप देखते हैं कि जब भी उसमें किसी का मुकुट आरोहण होता है, किसी राजा को उसका राज्य मिलता है, उसका मुकुट आरोहण होता है, या कोई यज्ञ वगैरह होता है, तो उसमें एक मंत्र पढ़ा जाता है, और उस मंत्र को शुरू करने से पहले जो है लोग, ठीक है, ओम श्री गणेशाय नमः करते हैं, क्योंकि जब भी हिंदू में कोई कार्य शुरुआत करते हैं तो हम श्री गणेश का नाम लेते हैं। तो एक मंत्र उसमें आप सुनो अक्सर पढ़ा जाता है, ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वाहा, स्वस्ति न पूषा विश्वे वेदा, स्वस्ति न स्तारक्ष अरिष्टनेमि, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु, ऐसे करके और ही मंत्र हैं, इसको लोग पढ़ते हैं अक्सर, आप देखेंगे, ठीक है, जब मुकुट पहनाया जा रहा होगा, कोई शुभ कार्य होगा तो ये मंत्र जरूर पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब वहां पर ये स्वास्थ्य वाचन होता है, और उसके बाद राम और लक्ष्मण दोनों जो है विश्वामित्र के साथ वो चले जाते हैं। तो ये अभी इस पाठ में इतना ही, इसके आगे वाला पाठ हम लोग अगले भाग पढ़ेंगे। धन्यवाद।